हेलो बच्चों, देखिए अपना चैप्टर जो है थ्योरेटिकली आज कंप्लीट हो जाएगा और मैं शायद अपन न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे एक बार। तो न्यूमेरिकल करने से पहले आपको यही कहूँगा कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, आप सभी उन फार्मूलाज को एक बार रिकॉल कीजिए, है ना। मतलब उन फार्मूलाज को एक बार पढ़ो, देखो, समझो और अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि फॉर्मूला दिमाग में रहेगा तो हम न्यूमेरिकल आसानी से कर पाएंगे। चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो दिमाग में रहना ही चाहिए, लेकिन फार्मूला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं न्यूमेरिकल पर्पज से। ठीक है, तो आज जो पॉइंट है हमारे पास में, वो दो छोटे छोटे पॉइंट जो है वो रिमेनिंग थे। पहला है विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा को अगर इंग्लिश में बोलें तो विद्युत को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल, और ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एनर्जी आई कहाँ से और हम विद्युत परिपथ में ये पढ़ते क्यों हैं? तो आप अगर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी देखें कि ये कोई प्रतिरोध या कोई बल्ब होगा और यहाँ पर स्विच ऑन कर दिया जाए और बैटरी से कनेक्टेड है ना, किसी विद्युत स्रोत से कनेक्टेड है, बैटरी को क्या बोलेंगे? विद्युत स्रोत बोलेंगे। ठीक है, तो ये कोई बल्ब होता है या प्रतिरोध है, बल्ब प्रतिरोध की भांति व्यवहार करेगा। तो अब समझिए कि जब स्विच ऑन है, मतलब कुंजी बंद है, तो धारा बहेगी। ये धारा बही किसके कारण? आंसर है विद्युत स्रोत के कारण, बैटरी के कारण। अगर बैटरी नहीं लगी होती तो धारा नहीं बहती। तो धारा बहाने का काम कौन कर रहा है? विद्युत स्रोत कर रहा है। ठीक है, तो इस परिपथ में धारा को बहाने के लिए इस विद्युत स्रोत ने जितना काम किया, वही काम क्या है बच्चों? विद्युत ऊर्जा है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप इसे कैसा परिभाषित करेंगे? विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे कि किसी परिपथ में प्रयुक्त विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य। ठीक है, दूसरा आप और कैसे देख सकते हैं? तो हम बोलते हैं धारा प्रवाहित करना मतलब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा कहलाता है। या क्यों आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर के किया गया कार्य ही क्या है? विद्युत ऊर्जा है। अब इसे किए गए कार्य को ऊर्जा में देखना है हमें। तो हमने बोला कि कार्य किसी विद्युत परिपथ में कैसे देखा जाएगा, तो W वर्क है ना। कार्य का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, क्यू इंटू वी। क्यू आवेश को वी विभवांतर पर क्या किया जा रहा है? प्रवाहित किया जा रहा है। तो किया गया कार्य कितना होगा? क्यू वी होगा, पता है। ठीक है, चलिए फिर क्यू क्यू और क्या होता है तो आपको पता होगा बच्चों। आई बराबर क्यू बटा टी लिखते थे कभी? लिखते थे? नहीं लिखते थे। विद्युत धारा की परिभाषा तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा उस फॉर्मूले से? आई टी होगा, नहीं होगा तो ये आई टी गुणा होगा किससे? वी। इसे अगर मैं तरीके से लिखूं तो ये लिखा जाएगा वी आई टी। ठीक है, ये किया गया कार्य हो गया। दूसरा देखो, ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास में, है ना। एक फॉर्मूला और कैसा देखा जाएगा? तो आप यहाँ पे समझिए, वी वी को ओम के नियम से आई आर लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं? ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? आई और टी है। आई को आई से गुणा करो, क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा, और आर टी। यहाँ पर टी क्या है? स्मॉल टी बच्चों, समय है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समय।
आई स्क्वायर आर डी भी विद्युत ऊर्जा का ही एक फॉर्मूला है, ये भी बहुत ज्यादा उपयोग में आता है। फिर इसके बाद में आई को और क्या लिख सकते हैं, तो आप या तो इस फॉर्मूले से काम कर लो या फिर इस फॉर्मूले से काम कर लो। वी बराबर आई आर ओम का नियम हमें बताता है ना। तो यहां से अगर मैं आई निकालू तो क्या लिख सकता हूँ, वी बटे आर। तो या तो वी बटे आर इस ऊपर वाले फॉर्मूले में रख लो या वी बटे आर इस वाले फॉर्मूले में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी इसी से काम कर लेता हूँ। तो आई की जगह वी बटे आर लिख दिया, और उसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, गुणा आर टी। देखो अब ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, पता चल रहा है क्या, वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ गया, आर टी, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो किया गया कार्य कितना होगा, वी स्क्वायर बटे आर, और गुणा होगा किससे, टी से। तो ये तीनों जो हमने पढ़े वो विद्युत ऊर्जा के क्या हैं, सूत्र है ना, और सामान्यतः यूज भी होते हैं। आपने ऊष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल प्रभाव जिसे हम बोलते हैं ना, जूल का प्रभाव यही तो था, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ध्यान रखिएगा वो चीज भी। तो हो गया ये। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसका मात्रक। देखो चूंकि कार्य है तो कार्य का मात्रक जूल होता है, ये परम सत्य बात है, ठीक। लेकिन जब हम विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं तो अब इस जूल को और कैसे देखा गया वो समझने लायक चीज है। तो विद्युत ऊर्जा के लिए ये मात्रक जो है इसे जूल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कार्य का मात्रक वही होता है। हम यहां पर इसकी व्यावसायिक मात्रक भी पढ़ते हैं, व्यावसायिक मात्रक। व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो आप सोचिए आपके घर का जो बिल है वो आपने जितनी ऊर्जा खर्च करी है उसमें ही आता है। आप जब बिल देखते हो ना तो उस बिल के अंदर कहीं जूल नहीं दिखता आपको, आप देखते हो कि कितने यूनिट खर्च कर दिए। पर ऐसे तो बोलते हैं ना कि इस बार तो 1000 यूनिट खर्च हो गई है, बिजली का बिल ज्यादा आ गया है। 1000 यूनिट तो बहुत ज्यादा होती है ना। तो अपन यही देखते हैं कि कितने यूनिट खर्च हुई, और 1 यूनिट के भाव से फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक। तो यहां पर वही चीज, यूनिट जो है ना वही क्या है, ऊर्जा का व्यवसायिक, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है बच्चों। तो इसका व्यवसायिक मात्रक क्या है, तो हम बोलते हैं विद्युत यूनिट, ये ध्यान में रखिएगा, विद्युत यूनिट विद्युत ऊर्जा का कौन सा मात्रक है, व्यवसायिक मात्रक है। इसे BOTU भी कहते हैं। BOTU क्या है, बी का मतलब है बोर्ड, ओ का मतलब ऑफ, टी का मतलब ट्रेड, और यू का मतलब आप लिख दीजिए यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। चलिए अब विद्युत यूनिट और जूल में एक संबंध भी है, वो संबंध ध्यान में रख लीजिएगा। एक यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर होती है, ये ध्यान में रखिएगा, व्यावसायिक मात्रक विद्युत यूनिट या 1 किलो वाट आवर है ना। अब देखो इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पर किलो, किलो मतलब 10 की घात क्या बच्चों, 3 है ना। 1 किलो का मतलब कितना हुआ, 10 की घात 3 होता है किलो। तो वाट ऐसा का ऐसा शक्ति का मात्रक है, वाट ये वर्क नहीं है, वाट है यहाँ पर। आवर, 1 आवर में मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, आंसर है 3600 सेकंड होते हैं, ठीक, 3600 सेकंड। तो हम इसको देखेंगे तो ये हो गया 3600 × 10³ गुणा वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड किसकी यूनिट है बच्चों, जूल होता है ना। वाट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। कैसे पता चला, तो यहाँ पे समझिए पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी लिखते हैं, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पी इंटू टी। शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट, समय का मात्रक सेकंड, वाट इंटू सेकंड बराबर इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, नहीं होता है। तो वाट इंटू सेकंड की जगह अपन लिख देंगे जूल, ठीक।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं 3.6। 3600 को देख रहे हैं गुणा 10 की घात 3। 3600 को क्या लिख सकते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 3, और यहाँ पर 10 की घात 3 था ही, और ये वाट सेकंड को हमने क्या लिख दिया, जूल। गौर कीजिए ये कितना हो गया, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। आप बोलोगे सर ये तो हमने 10वीं में भी पढ़ा था। बिल्कुल 10वीं में पढ़ा था, ये 10वीं वाली बात है। 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है, ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि चांसेस थोड़े कम हैं कि 12वीं में ये पूछा जाए, लेकिन कम से कम नॉलेज तो रहनी चाहिए ना। ठीक, तो मात्रक जूल हो गया। व्यावसायिक मात्रक आपको क्या याद रखना पड़ेगा, विद्युत यूनिट याद रखना पड़ेगा। विद्युत यूनिट कितना होता है, 1 किलोवाट आवर होता है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। एक तो ये हो गया विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के बाद में जो एक छोटा सा पॉइंट बचता है वो है हमारे पास में विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, विद्युत को इलेक्ट्रिकल बोलेंगे और शक्ति को बच्चों पावर बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर है ना। अब ये क्या है, बहुत सिंपल सा है, शक्ति आपने 11वीं में पढ़ रखा है, ऊर्जा भी 11वीं में पढ़ा था। ठीक है, तो पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। ठीक है, अब ये कार्य कौन कर रहा है, आंसर है विद्युत स्रोत कर रहा है, तो हम बोलेंगे विद्युत स्रोत द्वारा कार्य करने की दर, या विद्युत स्रोत द्वारा धारा प्रवाहित करने के लिए कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। बात समझ में आ गई, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, विद्युत शक्ति की क्या परिभाषा दिखनी है अपन को, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा धारा प्रवाहित करने की दर, या धारा को प्रवाहित करने में कार्य करने की दर जो है वह क्या कहलाएगी, विद्युत शक्ति कहलाएगी। ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए, धारा को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की दर। अब कार्य करने की दर देखो, पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी, सिंपल सा था। तो जितने भी डब्ल्यू मतलब ऊर्जा के अपने सूत्र निकाले हैं उनमें किसका भाग लगाना है, टी का भाग लगाना है। तो सबसे पहला सूत्र देखिए, तो डब्ल्यू का सबसे पहला फॉर्मूला लिखा था अपन ने VIT, और उसमें भाग लगाया टी का, टी से टी कैंसिल, क्या होगा, देखो ये सबसे कॉमन फॉर्मूला है, पी इज इक्वल्स टू वी आई, आप हमेशा पढ़ते हुए आए। फिर दूसरा फॉर्मूला देखो, आपने डब्ल्यू निकाला था I²RT निकाला था, इसमें भाग किसका लगाएंगे, टी का, क्या हो जाएगा, I²R, ये भी बहुत बार यूज होता है, आप सभी को पता है। ठीक, फिर इसके बाद में पी इज इक्वल्स टू और क्या है, तो V²T/R, यही ना। चलिए, अब इसमें भाग किसका लगाना है, डब्ल्यू में किसका भाग लगाना है, टी का, तो टी का भाग लगाया तो टी से टी कैंसिल, क्या हो जाएगा, V²R, पता चल गया शक्ति। चलिए, अब इसका मात्रक देखें, शक्ति का ऐसा ही मात्रक पता होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था वाट, और वाट को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, जूल को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जे से। ठीक है, तो वाट को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका व्यावसायिक मात्रक भी है, ये आपने पढ़ा होगा, ट्रैक्टर, अगर किसी के खेती है तो वो ट्रैक्टर परचेज करते हैं, और ट्रैक्टर जो है वो हॉर्स पावर में आता है ना, HP बोलते हैं, अश्व शक्ति, हिंदी में क्या बोलेंगे, हॉर्स पावर को अश्व शक्ति, है ना। आप अगर कार परचेज करते हैं तो उनके अंदर भी HP में ही आती है, उनका इंजन किससे मेजर होता है, HP में, जितना ज्यादा HP होगा, जितना ज्यादा HP होगा तो हम बोलें उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी, उतना इंजन सॉलिड होगा। ठीक है, चलिए, और दोनों में संबंध है, वाट और अश्व शक्ति में संबंध है, तो हमने बोला एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये 11वीं की बात है, इवन 10वीं में भी आपने ये पढ़ा है। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो
तो उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास में न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, तो आज अपन कुछ एक ऑब्जेक्टिव सवाल कर लेते हैं, ठीक है। और हमेशा की तरह आपको ऑब्जेक्टिव सवाल जो है वो बोर्ड पे साइड में दिख जाएंगे। जितनी देर मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप फॉर्मूलाज को रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा फार्मूला है नहीं इस चैप्टर में, और जितने हैं वो बहुत सिंपल हैं। ओके देखिए, हाँ मैं तीसरे से चालू कर रहा हूँ, थर्ड वन से। देखिए जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, एक चालक प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा गया है। किससे जोड़ देते हैं प्रतिरोध को? बैटरी से जोड़ देते हैं। शीतलन की प्रक्रिया से चालक के ताप में कमी की जाए तो प्रवाहित धारा का मान। अब यहाँ पर ये सोचो बच्चों कि वो क्या बोल रहा है, किसी प्रतिरोध को, तीसरा सवाल है, किसी प्रतिरोध को किससे जोड़ दिया गया है? बैटरी स्रोत से जोड़ दिया गया है। अब वो इस चालक को, ये चालक ही तो था, प्रतिरोध चालक है, इसका तापमान, तापमान क्या किया जा रहा है, इस चालक का घटाया जा रहा है। तापमान घटेगा तो चालकों में क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और तापमान घटाने पर प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है। तापमान बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, तापमान घटाओगे तो ये घटेगा। तापमान घटाने से प्रतिरोध कम हो गया, और प्रतिरोध कम हो गया तो बच्चों बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है ये बात? तो हम बोलेंगे आर तो है वो कम हो जाता है, इसके कारण बहने वाली धारा क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, क्यों? क्योंकि विनियत रहा है ना, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट चौथा देखिए, फोर्थ वन। 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पियर की धारा देता है, ठीक है। यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है, ठीक बात है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। अब यहां पर समझिए क्या बोल रहा है, कि 2.1 वोल्ट का सेल है और इसके पास में कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध है, माना आर, जो हमें ज्ञात करना है। इस सेल का विद्युत वाहक बल ई कितना दे रखा है, 2.1 वोल्ट दे रखा है, और इस सेल से बहने वाली धारा आई, आई का मान कितना दिया हुआ है हमें, 0.2 एम्पीयर, ठीक है। ये धारा आई से बह रही है और बाह्य प्रतिरोध दिए रहा कैपिटल आर, और इस कैपिटल आर का मान भी दिया हुआ है कि कितने प्रतिरोध से, 10 ओम के प्रतिरोध से ये धारा गुजर रही थी। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध। गौर कीजिए, टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध पता चल रहा है क्या? क्या लिखते हैं, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर लिखा करते थे, नहीं लिखा करते थे? V को क्या लिखते हैं, आई आर नहीं लिखते क्या? चलिए यहाँ पर E माइनस आई आर, हमें क्या निकालना है, R निकालना है, तो आई आर को इधर लेकर के आओ और इस वाले आईआर को दूसरी तरफ लेकर के जाओ। मेरे हिसाब से मैं सही कर रहा हूं, ये प्लस का था इस तरफ माइनस में गया, ये माइनस का था इस तरफ आते ही प्लस में हो गया, और हमें तो आर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर बटे आई, ठीक है। चलिए ई का मान देखो, ई का मान कितना है, ई का मान 2.1 माइनस आई, आई का मान 0.2, आर का मान 10,
बटे 0.2, ये आंतरिक प्रतिरोध है। मैथमेटिक्स है, 2.1 माइनस गुणा करूँ, 2 हो गया ये, 0.2 को 10 से गुणा किया, बटे 0.2, 2.1 में से 2 को कटाया 0.1, और उसमें 0.2 का भाग लगाया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 ओ, ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध। आज समझ में आई? चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट पांचवा देखें। चित्र में दो भिन्न भिन्न तापों पर एक चालक के VI वक्रों को दर्शाया गया। बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों, इवन मेरे हिसाब से ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है। यदि इन तापों के संगत प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ताप के लिए आपको बताना है कि दोनों ताप बराबर हैं, एक ज्यादा है कम है, या फिर निम्न में से कोई नहीं। देखते हैं, तो ये डायग्राम मैं वापस से रीड्रॉ करता हूं बच्चों। देखिए इस चीज को समझें कि ग्राफ जो है वो तापमान के रिलेशन पूछ रहा है, और किस किस के बीच में ग्राफ है, तो आंसर है आई और वी के बीच में। आई को वाई अक्ष पे लिया गया है और वी को एक्स अक्ष पे लिया गया है, और ऐसे तो सीधी लाइनें खींच रखी हैं। ठीक है, बात ये T1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि किसकी ढलान ज्यादा है। मैं अगर इसे ऐसा समझूं तो मैं इस ग्राफ को ऐसा भी बना सकता हूं, ये ज्यादा सिंपल होगा इससे समझना। तो यहां पर ऊपर तो ले लो V और नीचे ले लो I, इंटरचेंज कर दो। तो V के जस्ट पास में कौन सा था, T2 था, तो ये T2 वाली लाइन इधर चली गई, और I के जस्ट पास में T1 था तो ये T1 वाली लाइन इधर चली गई। बात समझ में आ गई क्या? अब इससे डायरेक्ट प्रतिरोध निकल जाएगा। कैसे भाई, ढलान ही क्या होता है, प्रतिरोध होता है। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक, तो आपने क्या करना है, दो पॉइंट ले लेने, इसी के संगत ऐसा नीचे की ओर चले, तो यहां पर पॉइंट ले लिया। ठीक है, चलो अब गौर करो, यहां पर दोनों के लिए विभव का मान समान है। ठीक, फिर सॉरी, विभव का मान नहीं, वोल्टता का, विभवांतर का मान समान नहीं, एक के लिए V1 है और दूसरे के लिए क्या है, V2 है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, T2 वाली लाइन के ऊपर इसको लिख देते हैं V2, और T1 वाली लाइन पर इसको लिख देते हैं V1। बात समझ रहे हो क्या? लेकिन दोनों के लिए धारा का मान समान है, एक ही धारा पर एक के लिए विभव है, विभवांतर है V1, और दूसरे के लिए विभवांतर है V2। इस चीज को समझा अपन। चलिए, तो मैं अगर इस T2 तापमान के लिए, कौन से तापमान के लिए, T2 हेतु अगर मैं प्रतिरोध निकालूं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, देखना, V2 बटे I। बात समझ में आई? चलिए, और इसको लिख देते हैं R2 प्रतिरोध, फिर T1 तापमान हेतु, T1 तापमान इस वाली लाइन के लिए आप लिखेंगे R1 प्रतिरोध, और R1 बराबर क्या लिखेंगे, V1/I, क्योंकि धारा तो I थी और विभवांतर V1 था। गौर करो, R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है, कैसे पता चले, तो हमने बोला कि यहाँ पर देखो दोनों में भाग तो समान का लग रहा है, ठीक है, लेकिन V1 का मान कम है और V2 का मान क्या है, ज्यादा है। V1 का मान कम है, V2 का मान, अब देखो अंश ज्यादा है, अंश ज्यादा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा है। तो हमने कहा तुलना करने पर हमें ये प्राप्त हुआ कि R2 प्रतिरोध का मान ज्यादा है किससे, R1 से। प्रतिरोध ज्यादा है तो तापमान भी तो ज्यादा होगा चालकों में, चालकों में क्या होता है, ताप बढ़ाते हैं तभी तो प्रतिरोध बढ़ता है। ले रही है बात? तो इसका मतलब ये है कि इस R2 के संगत ताप ज्यादा है किससे, R1 के संगत ताप से। तो R2 के संगत ताप कौन सा है, T2। T2 ज्यादा है किससे, T1 से। बात समझ में आई नहीं आई? अपन ने क्या निकाला, सबसे पहले प्रतिरोध निकाला, जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसका तापमान भी ज्यादा, तो आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। बात समझ में आई? ओके, चलिए
आज का लास्ट सवाल कर लेते हैं। देखिए छठा सवाल, ओके, तो ऑप्शन कौन सा है? T2 का मान ज्यादा है, T1 से सह है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसमें T1 को छोटा बता रखा है, T2 को बड़ा बता रखा है, ठीक है, तो सह आएगा। फिर अगला जो सवाल मैं देख पा रहा हूँ, ये ओके, एक नगर से विद्युत शक्ति को 150 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य नगर तक तांबे के तार से भेजा जाता है। चलिए भाई, तांबे के तार की दूरी कितनी हो गई है, कितनी लंबाई हो गई तांबे के तार की? 150 किलोमीटर हो गई है। फिर क्या बोल रहा है? प्रति किलोमीटर विभवपात, मतलब विभवांतर आप कह सकते हैं, विभवपात जो है वो 8 वोल्ट है, मतलब 1 किलोमीटर पे 8 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो जाता है, विभव पतन हो जाता है। तो समझिए कि 1 किलोमीटर पर अगर 8 वोल्ट, तो 150 किलोमीटर के लिए विभव पतन या विभवांतर कितना होगा? 150 को गुणा कर दो 8 से, 15 अंठ है 120, तो कितना वोल्ट हो जाएगा? 1200 वोल्ट विभव पतन हमें मिला। कहां पर? तार पर। उस तार पर कितना विभव पतन है? 1200 वोल्ट। फिर प्रति किलोमीटर औसत प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो तार में शक्ति से ज्ञात कीजिए। प्रति किलोमीटर औसत प्रतिरोध, 1 किलोमीटर का प्रतिरोध कितना है? 0.5 ओम है। 1 किलोमीटर का 0.5 ओम है, तो इसका मतलब 150 किलोमीटर का प्रतिरोध 0.5 से गुणा कर दो, 0.5 मतलब 1/2 होता है आधा, तो 150 का आधा कितना हो गया? 75 ओम, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है? तार में शक्ति से ज्ञात करो, शक्ति से P क्या दे रखा है? V और R दे रखा है, फॉर्मूला क्या होगा? V2/R, है ना, छठा सवाल कर रहा था। तो V2 मतलब 1200 × 1200/75। अब कैलकुलेशन आपके भरोसे है भैया, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना भी आंसर आएगा उसे मैच कर लीजिएगा, इनमें से देख लीजिएगा कि कौन सा आता है। सारे 19.2 दे रखे हैं एक को छोड़ करके, लेकिन मात्रक ध्यान में रखिएगा, वाट, जूल, किलोवाट, है ना, तो देख लीजिएगा कि किसमें आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट के अंदर बचे हुए न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।